नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की, जो कि दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत सामने आ रही है। सनसनीखेज मामला सामने आया था कि युवक का शव खेत में पड़ा हुआ मिला था। पुलिस मौके पर पहुंची थी, एफएसएल टीम को भी बुलाया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी मौका मुआयना किया गया था। इस मामले में पुलिस के द्वारा खुलासा कर दिया गया है, बबलू काशी का शव एक खेत पर पड़ा हुआ मिला था। काफी सनसनीखेज मामला था, इस मामले को पुलिस के द्वारा सुलझा लिया गया है। यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि पत्नी के प्रेमी ने की थी। पत्नी के एक युवक से अवैध संबंध थे, जिसके चलते यह हत्या की गई थी। बताया जाता कि मृतक बबलू काछी का किसी से विवाद हुआ था, जिसकी जानकारी पत्नी के द्वारा अपने प्रेमी को दी गई और उसके द्वारा बका मारकर गला रेतकर हत्या कर दी थी। काफ़ी विवश यह घटना थी। हत्या का मामला दर्ज किया गया था, पत्नी ने FIR दर्ज कराई थी और वही पत्नी इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड निकली, जिसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्नी और प्रेमी दोनों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। माननीय न्यायालय में उसे पेश भी किया गया है। इस संबंध में SDOP पथरिया के द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता में इस बात की जानकारी दी गई। पथरिया TI भी इस मौके पर मौजूद रहीं। क्या पूरा मामला है, किस तरह से घटना घटित की गई, किस तरह से खुलासा हुआ, पुलिस को कैसे मुखबिर ने सूचना दी या अंदेशा हुआ, कैसे यह शक हुआ कि पत्नी ही इस संपूर्ण घटना की मास्टरमाइंड है, आइए जानते हैं विस्तार से। 22 को जी पता थाना पथरिया में रिपोर्ट हुई कि ग्राम बिरजापुर में खेत में एक बल्लू उर्फ बबलू बल्ब भोले काछी पटेल की लाश पड़ी हुई है। गर्दन में चोट का निशान है और काफ़ी खून निकला हुआ है। मर्ग कायम करके पुलिस मौके पर पहुंची और बारीकी से विवेचना की, उसके परिजनों से पत्नी से पूछताछ की और जहां वो गया हुआ था वहां से जानकारी ली। इसके पहले किसी से बातचीत बात विवाद हुआ गांव में, उसकी भी जानकारी ली। पहले दिन सभी लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन कोई जानकारी ये नहीं मिली कि इन्होंने मारा है। तो इसके बाद विवेचना और आगे बढ़ी, बारीकी से और गहराई से पता किया। तो पहले दिन कोई जानकारी नहीं लग सकी। SP साहब ने इस तरह से ब्लाइंड मर्डर होने के कारण उस पर इनाम घोषित किया। इनाम घोषित करने के बाद में विवेचना के लिए टीम लगाई गई और टीम को ये निर्देशित किया गया कि घटना स्थल से जब तक नहीं हटेंगे, जब तक मामले का पर्दाफाश नहीं हो जाए। पुलिस ने अपनी टीम ने पूरा प्रयास करके गांव में ही मुकीम किया, रात दिन एक करके और विवेचना की। तब ये पता चला कि जो रिपोर्ट करता महिला है, उसका पति जो मृतक है काफ़ी शराब पीता था, जिससे उसको परेशानी थी। और उस दौरान उसके संपर्क गांव के एक व्यक्ति से हो गए थे, जिससे मिल करके उसने इस घटना को अंजाम दिया। आला गिरफ भी बरामद हो गया है, जिससे उन्होंने मारा और मृतक के और मुलजिम के कपड़े भी बरामद हुए। जल्दी ही पर्दाफाश कर दिया, जिसमें उसकी मृतक की पत्नी भी शामिल है। वही पुलिस इस मामले की रिपोर्ट करता भी है और उसको भी इसमें आरोपी बनाया गया है, साक्ष्य छुपाने में और षड्यंत्र रचने में। कुल कितने आरोपी हैं इस मामले? कुल इसमें 2 आरोपी हैं। एक है आरोपी हल्ले उर्फ संतोष रैतवार, जिसने इसको मारा है, और घटना में शामिल मृतक की पत्नी है, उसका नाम बैजंती काछी पटेल है, उसको भी इसमें। संजय सरवरे समाचार के लिए पथरिया से आफताब खान की रिपोर्ट। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। प्रिया समाचार।